नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं इस्कॉन टेंपल में और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है गुरु जी, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर जो हम तिलक लगाते हैं यहाँ पे, इसका क्या महत्व है? तिलक का महत्व तो ये है कि जो दो लकीर होती है, एक लकीर का प्रेजेंट करते हैं शिव जी के लिए और दूसरी लकीर का प्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी के लिए। बीच का जो स्थान होता है वो तो भगवान विष्णु का होता है और जो बीच में लास्ट में तुलसी का पत्ता रखा होता है वो तुलसी का प्रेजेंट करता है, तुलसी का पत्ता होता है, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए भगवान के चरणों में हमेशा तुलसी का पत्ता रहता है। तो ये भगवान विष्णु का स्थान है और ये ब्रह्मा जी का, ये शिव जी का, और बीच में भगवान के चरणों में तुलसी होती है। इसलिए हम लोग जितने भी भगवान विष्णु के डिवोटी होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो ये तिलक लगाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पे रहते हैं या फिर कहीं खास जाए? मैं रहता नहीं, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन यहाँ इस्कॉन में मेरी सेवा रहती है, मैं डिवोटी हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो जन्माष्टमी हर साल दो दो दिन की हो चुकी है, उससे आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ता है या फिर क्योंकि जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं एक दिन होना चाहिए, अब दो दो दिन होने लग गए हैं हर फेस्टिवल, क्या लगता है आपको? हाँ, दो दिन होना चाहिए। क्लियरली कैलेंडर में देखा जाए तो कल है 7 सितंबर की, लेकिन कुछ कैलेंडर बाहरी कैलेंडर होते हैं तो बाहरी पंडितों के हिसाब से या जोशी के हिसाब से वो एक दिन का फर्क कर देते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से वो कल है 7 सितंबर की, तो हम 7 सितंबर को ही मनाएंगे। तो आप कल भी आएंगे? हाँ, कल ही है तो हम लोग कल सेवा में रहेंगे। तो कल यहाँ पे क्या खास ऐसा अलग होने वाला है, जैसे कि मथुरा वृंदावन में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा जन्माष्टमी का त्योहार, यहाँ पे कुछ क्या अलग होने वाला है? हाँ, अलग ये है कि हर साल एक जो इस्कॉन की सजावट है, लाइटिंग से लेकर के पूरा जो सजाते हैं सब डिफरेंट होता है, डिफरेंट हम लोग सजाते हैं और लोग देखते हैं, इंजॉय करते हैं। अभिषेक होता है, कीर्तन होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है भगवान के कीर्तन के आधार पे, तो वो सब दिखाते हैं, डोनर हमारे आते हैं बहुत है। और इस बार जो आने वाले लोग हैं कम से कम 12 से 15 लाख लोग आने का बजट है हमारे मंदिर में, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, आएंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।